Praise the Lord, everyone. This is worshipper Neha, Aria, Younas, and मैं प्रार्थना भवन टेलीविजन देखने वाले तमाम दर्शकों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ. खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो. As we all know that year 2020 has been a tough year for all of us, but जैसे हम year 2021 में दाखिल होने जा रहे हैं, मैं आप सभी के लिए दुआगो हूँ कि खुदावंद यीशु की कृपा से ये साल आप सभी के लिए बरकतों का साल होने वाला है. ये साल आप सभी के लिए खुशहाली का साल होने वाला है. प्रभु यीशु का अनुग्रह आपकी जिंदगियों में आए, आपके जीवन में आए, आपके जीवन को बदले और आपकी जिंदगियां खुशगवार हों इन जीसस नेम. हालेलुया, आमीन. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे. एंड इन ऑर्डर फॉर योर ईयर टू बी अ हैप्पी न्यू ईयर, यू नीड टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर, एज योर लॉर्ड. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बाइबल हम लास्ट डेज में चल रहे हैं. हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और अपने इस साल को अगर हम अपना हैप्पी साल बनाना चाहते हैं, इस ईयर को हैप्पी न्यू ईयर बनाना चाहते हैं, सो वी नीड टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज आर सेवियर, एज आर लॉर्ड. अगर आपने अभी तक खुदावंद यीशु को कबूल नहीं किया तो प्लीज़ आप खुदावंद यीशु को अभी कबूल कीजिए, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, रिपेंट कीजिए, ताकि खुदावंद यीशु आपकी लाइफ में आए और आपके जीवन को बेहतर बना सके और खुशगवार बना सके. मैं एक नसीहत आपसे करूंगी कि आप अपनी संगतों को अच्छा रखें, क्योंकि कलाम के मुताबिक बुरी संगत अच्छी आदतों को बिगाड़ती है. अपने टाइम को प्रायोरिटाइज कीजिए, कलाम को पढ़िए, दुआ में टाइम बिताइए. जिंदगी की एक नसीहत को याद रखिए कि दुआ की जाए, दुआ दी जाए और दुआ ली जाए. खुदावंद आप सभी के साथ हो, आप सबको बड़ी बरकत दे. थैंक यू वेरी मच एंड जय मसीह की.